सहजनवा पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने चार अभियुक्तों को अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ और सहजनवा की पुलिस की संयुक्त टीम ने भीटी रावत चौराहा से चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान निजामुद्दीन पुत्र बहार हुसैन निवासी ब्रिजपुरी थाना पड़वई जनपद रामपुर, दूसरा रविशान पुत्र मुमन निवासी मिलक नौसाना शेखपुर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद, मोहम्मद आमिर हुसैन पुत्र मिराजन अली निवासी डोम का पत्थर हुजई थाना हुजई आसाम, चौथा मिट्टू सब्बा राव पुत्र असीम सब्बा राव निवासी 28 गुड़िया थाना अड़वा गजपति उड़ीसा के रूप में हुई है, जिनके पास से एक कंटेनर वाहन से 92 पैकेटों में भरा हुआ 469 किलोग्राम अवैध गांजा, 25 प्लास्टिक का खाली ड्रम, 3,000 रुपए नकद, 2 मोबाइल, 2 आधार कार्ड बरामद हुआ है। एसपी सिटी ने बताया कि चारों अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में एसटीएफ लखनऊ के उप निरीक्षक अतुल चतुर्वेदी, एसटीएफ उप निरीक्षक प्रदीप सिंह, एसटीएफ हेड कांस्टेबल अनिल सिंह चंदेल, नीरज पांडे, अरशद खान, सुशील सिंह, एसटीएफ कांस्टेबल गौरव सिंह, एसटीएफ कमांडो दिलीप यादव, सहजनवा उप निरीक्षक अनीश कुमार शर्मा, कांस्टेबल प्रकाश यादव, शिवम वर्मा, इंद्रजीत यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, ये बैठा हुआ मैं क्या बैठा रहा बोला हुआ एसटीएफ लखनऊ और जनपद पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा ये इन्हों गिरफ्तार किया गया। निजामुद्दीन, रविशान, मोहम्मद आमिर और मिट्टू साबिर, इनके पास से 92 पैकेटों में भरा हुआ 469 किलोग्राम अवैध गांजा, 25 अदद प्लास्टिक के खाली ड्रम और 3,000 रुपये, 2 मोबाइल फ़ोन और 2 आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। ये भीटी रावत चौराहा पर थाना सजमन में ये कार्रवाई हुई है। इस गैंग में 4 लोग हैं, निजामुद्दीन, रविशान, मोहम्मद आमिर और मिट्टू साबिर। लगभग 1 करोड़ के आसपास अनुमानित कीमत है इसकी। देखिए, ये आंध्रा से लेकर के आ रहे थे और इनके पास एक कंटेनर वाहन है, वाहन संख्या UP 38 T 54 80, ये भी बरामद हुई है। इनसे देखिए पूछताछ की कार्रवाई की जा रही है और उसके बाद गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा जाएगा, विधिक कार्रवाई की जाएगी।